डॉक्टर सचिन शुक्ला एसआरजी मुरादाबाद। और इस टीएलएम के माध्यम से हमने इस चार्ट के माध्यम से हमने जो कक्षा 6 है उसके अंदर इकाई 8 है जंतु की संरचना व उसके कार्य, और इसके अंदर जो जंतुओं के विभिन्न अंगों के कार्य हैं उसको हमने दर्शाया है। तो आप देख सकते हैं ये मानव शरीर है और इसका डाइसेक्शन करते हुए हमने ये टीएलएम बनाया है जिसमें बिल्कुल सभी अंगों को प्रत्यक्ष रूप से बच्चा देख पाएगा। तो यहाँ पे बच्चे देख पाएंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ऊपर है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है? सभी अंगों को नियंत्रण, निर्देशन तथा विचार करना, ये इसका कार्य होता है मस्तिष्क का। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये देख सकते हैं पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीचों बीच ये हमारी संरचना है हृदय, और हृदय का काम होता है रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। तो हृदय का प्रमुख कार्य क्या है कि धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को पूरे शरीर में, शरीर के विभिन्न हिस्सों और ऊतकों तक पंप करना, उन्हें पहुंचाना। अब जो हृदय है हमारा, इसके देखिए ये फेफड़े हमारे दिखाई दे रहे हैं, इन फेफड़ों का कार्य क्या होता है? जब शिराओं में से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है तो हृदय के द्वारा वो फेफड़ों को भेज दिया जाता है। और जहाँ पर फेफड़े क्या कार्य करते हैं? फेफड़े हृदय से आए अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर उसमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हम सांस के द्वारा जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें फिर सांस जब छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और ये क्या करता है फेफड़े हमारे? जो श्वसन द्वारा फेफड़ों में पहुंची ऑक्सीजन द्वारा रक्त को शुद्ध कर पुनः हृदय तक पहुंचाते हैं। तो यानी कि शिराओं द्वारा हृदय में जब रक्त पहुंचता है वो रक्त फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त वापस हृदय में आकर धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में ऊतकों और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। ये हमारे कार्य थे हृदय के, फेफड़े के। इसके बाद देखिए ये हमारे देख सकते हैं मुख गुहा है। मुख गुहा में से जब हम खाना खाते हैं तो देखिए ये ग्रसनीम के द्वारा होता हुआ भोजन सबसे पहले, क्योंकि मुँह से हम दांतों के द्वारा उसे चबाते हैं, और लार में हमारे टाइलिन नाम का हमारा एंजाइम होता है उसके द्वारा खाना पचता है, पचना वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद ये सीधे सीधे देखिए यहाँ पहुँचता है आमाशय। ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है क्या है? आमाशय। आमाशय में क्या होता है? आमाशय की के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से जटर रस निकलता है, और इसके अंदर बकायदा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसमें एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। तो HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो भोजन के अंदर अगर रोगाणु होते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं, उन रोगाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पेप्सिन क्या करता है? जो हमने खाना खाया है, क्यों खाने के अंदर बसा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, तो ये क्या करता है? प्रोटीन को जो इसके अंदर पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन और रेनिन, तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये जो आमाशय है इसके पास, ये देखिए इसके बाद खाना सीधे हमारे कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। लेकिन यहाँ पे आकृति आप देख रहे हैं जिसे हम यकृत कहते हैं, लीवर। इस यकृत का क्या कार्य होता है? यकृत देखिए ये आकृति जो दिख रही है भूरे रंग की, ये आकृति है। तो यकृत क्या करता है इसे आप देख सकते हैं, ये हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया व अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया व यूरिक अम्ल में बदल देता है, और बदलकर किडनी वृक्क को की सहायता से उत्सर्जन कर देता है तथा बसा का पाचन करता है। क्योंकि जब हम भोजन करा उसके अंदर बसा भी कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन होता है, तो ये बसा का पाचन करता है, और उसके साथ जो अतिरिक्त प्रोटीन होती है, अमोनिया होती है, उसे यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलकर उसे ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है कहाँ पर? किडनी में। ये रही हमारी किडनी, जिसे आप देखिए इस संरचना में यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये रही किडनी हमारी, रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ, ये जो हमारी रीढ़ की ये इधर होती है, देखिए किडनी दो एक जोड़ी में होती हैं किडनी, और ये किडनी देखिए इसको हमने यहाँ दर्शाया है। तो ये किडनी क्या करती हैं? मानव शरीर में एक जोड़ी ब्रक होते हैं किडनी, जिसे ब्रक किडनी कहते हैं, जिसका आकार सेम के बीज के समान होता है। देखिए ये रही सेम के बीज के समान, ब्रक कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है, ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है कमर के ऊपर। ब्रक रक्त को छानने का कार्य करती है। दरअसल जब रक्त ब्रक में आता है तो उसमें उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन्स, अमीनो अम्ल, यही हमें चाहिए होते हैं। ग्लूकोज चाहिए होते हैं, लवण चाहिए होते हैं, विटामिन्स और अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं, जिन्हें तो ये अवशोषित कर लेता है। और बाकी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, जैसे ये रक्त ने ट्रांसफर करे थे और रक्त के द्वारा इसमें पहुँचे हैं आदि को ये मूत्र, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय के द्वारा बाहर निकाल देता है। अब बात हम करते हैं, देखिए आमाशय से लगी हुई ये जो हमारी छोटी आंत दिखाई दे रही है, छोटी आंत का कार्य क्या होता है?
दीवारों रक्त वाहिनियों विली, इसके अंदर उंगली जैसी कई सारी संरचनाएं होती है, विली होती हैं, जो भोजन के पोषक अंश सोखती हैं। इसमें से पोषक तत्व जो होते हैं, जो अमीनो अम्ल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, वसा है, उनको ये सोख लेती है। बड़ी आंत, ये करीब 6 मीटर लंबी होती है। अभी ये देखिए, उस छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में। और ये देख सकते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या कर रहा होता है, शेष भोजन से जल को अवशोषण करना, और उसके बाद वेस्टेज जो खाना बचता है वो बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आकृति, देखिए ये यकृत के बिल्कुल यहाँ पे लगी हुई आकृति, गाल ब्लेडर इसके संग लगा हुआ है, इसे बोलते हैं पित्ताशय। तो क्या होता है इसका कार्य, जो यकृत के अंदर वाई जूस और जो हमारे पित्त बनता है, पित्ताशय का कार्य क्या होता है, यकृत में आया पित्त पित्ताशय में जमा होता है, ये वसा को पचाने का कार्य करता है। अभी हमने बताया था कि जो हमारा यकृत होता है वो क्या करता है, वसा को पचाने का कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या है, वसा को पचाने का कार्य करता है, तो इसके अंदर पित्ताशय जो बनता है, पित्त बनता है यकृत में, वो पित्ताशय में आता है जो वसा को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद आकृति एक अग्नाशय देख सकते हैं आप, यहाँ पे आकृति है ये अग्नाशय, देखिए ये आकृति है जो हरे रंग की है। तो इसको हम देख सकते हैं इसका क्या कार्य होता है, इसको हमने अलग से यहाँ पे दिखाया है। ये एंजाइम बनाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, ये हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी जिन्हें शुगर होती है तो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सरल तरीके से इस TLM के माध्यम से जो हमारे मन शरीर के अंग हैं एवं उनके कार्य हैं बच्चों को बताना चाहे, और यहाँ पे डाइसेक्शन करके बच्चे बकायदा इसको अलग अलग हटा के देख कर बारी बारी से जान सकेंगे कौन सा अंग कहाँ पर है और उसका क्या कार्य है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG मुरादाबाद, धन्यवाद।